प्यारे बच्चों, चलिए अब हम उदाहरण चार हल करते हैं। उदाहरण चार में हमें एक रचना करनी है, एक ऐसे रेखाखंड की रचना जो दिए गए रेखाखंड के माप का 3/2 हो। यानी यदि हमें कोई एक रेखाखंड दिया हो तो हमें जो नया रेखाखंड बनाना होगा वो पहले वाले रेखाखंड का 1.5 गुना होगा, यानी 3/2 होगा। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड बना लें जिसके आधार पर हम उसका 1.5 गुना बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर पेपर के बीच में लगभग हम एक अनुमानित लंबाई का एक रेखाखंड बनाते हैं। ये मान लीजिए हमने रेखाखंड बनाया और इसे क्रमशः नाम दे दिया। इस सिरे को हमने नाम दिया ए और इस सिरे को नाम दिया बी। अब हमें एक ऐसे रेखाखंड की रचना करनी है जो इसका 3/2 हो, यानी इसे 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा हो। तो हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। हम ये हमने स्केल को पहले वाली जगह पर रखा और एक कटी हुई लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। तो इस लाइन पर हमें वो बिंदु मिलेगा जो ए के साथ वो दूरी प्रदर्शित करेगा जो ए बी की 1.5 गुनी है। तो चलिए इसे हमने बढ़ा दिया और मान लीजिए इसको हम एक्स नाम दे रहे हैं। अब ये जो ए बी है, यहाँ हमने ए बी बिंदु रखा, यहाँ ए बिंदु रखा। अब जो नया बिंदु मिलेगा वो हमको यहाँ कहीं मिलेगा सी, और ए सी जो होगा वो ए बी का 3/2 होगा या 1.5 गुना होगा, मतलब यहाँ कहीं हमको बिंदु मिलने वाला है। तो इसके लिए हम एक अनुमानित कोण यहाँ पर बनाते हैं और इस कोण के आधार पर एक नया रेखाखंड खींचते हैं। मान लीजिए ये रेखाखंड ए वाई है, इसको हमने वाई नाम दिया। तो एक रेखाखंड ए वाई बना जो कोई से भी कोण पर बना हुआ है। अब आपको मालूम है कि जो हम रचनाएं करते हैं, तो यहाँ पर यदि हमको इसका 1.5 गुना लेना है तो हम यहाँ पर 3 बराबर हिस्से ऐसे लेंगे जो यहाँ पर एक दूसरे के बराबर होंगे, और यदि हम दूसरे वाले हिस्से से बी को मिला दें तो जो तीसरा वाला हिस्सा है वो यहाँ कहीं पर आके मिलेगा जो ए बी के 1.5 गुना लंबाई को यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। तो चलिए हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे और प्रकार की मदद से 3 बराबर दूरी पर चाप हम काटेंगे। तो ये प्रकार की नोक को हमने यहाँ रखा और एक चाप मान लीजिए हमने यहाँ काटा। ऐसे ही एक बराबर चाप हमने यहाँ पर काटा और एक चाप हम और काटेंगे यहाँ पर रखकर इस तरह से। अब चूंकि देखिए ये तीनों खंड आपस में बराबर हैं और इसको हम एक इकाई मानते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा होगा वो इसका 1.5 गुना होगा, क्योंकि एक हिस्सा उसके बराबर का हिस्सा और ये बराबर हिस्सा, 3 बराबर हिस्से हैं। यदि हम 2 बराबर हिस्सों को एक साथ लें तो वो इस 3 बराबर हिस्सों का 2/3 होगा, या इसका उल्टा कहें कि ये 3 बराबर हिस्से इन 2 बराबर हिस्सों के 3/2 होंगे, यानी 3/2 गुना होगा, 1.5 गुना होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। यदि हम इस बिंदु को यहाँ से मिला दें तो यहाँ पर जो समानांतर रेखा खींची जाएगी इस बिंदु से, वो निश्चित रूप से इस पूरे इस रेखाखंड को वो ऐसे रेखाखंड पर हमें ऐसा बिंदु देगी जो ए बी का 1.5 गुना होगा। तो चलिए इस तरह से काम करते हैं हम, और इन बिंदुओं को पहले हम नाम देते हैं। मान लीजिए इसको हमने नाम दिया A1 ताकि पढ़ने में हमें सुविधा हो, इस बिंदु को नाम दिया हमने A2 और इस बिंदु को नाम दिया हमने A3। अब बिंदु A2 को हम B से मिलाते हैं अब हम A3 से A2B के समानांतर एक रेखा यहाँ पर खींचेंगे, और समानांतर रेखा खींचने का तरीका आपको मालूम है कि यहाँ जो कोण बन रहा है वैसा ही कोण यदि हम बना लें तो ये जो नई रेखा हमको प्राप्त होगी वो A2B के समानांतर होगी, और A2B के समानांतर जो रेखा आएगी वो यहाँ पर वही अनुपात पैदा करेगी जो यहाँ पर इसके साथ है। माने A2 का जो अनुपात A3 के साथ है वही अनुपात AB का इस बिंदु सी यदि हमको कोई मिलता है तो AC का जो अनुपात AB के साथ होगा वैसा ही अनुपात हमें
AA3 का AA2 के साथ मिलेगा। तो चलिए हम इसके समानांतर रेखा खींचने की कोशिश करते हैं, और आपको मालूम है कि समानांतर रेखा खींचने के लिए हम बराबर संगति कोण की रचना करते हैं, तो हम चाहें तो संगति कोण यहाँ भी बना सकते हैं या इस तरफ बना सकते हैं। चलिए हम इस तरफ बना के देखते हैं। तो हम एक चाप लें और इस चाप के बराबर यहाँ पर इस पूरे को काटें, ये देखिए हमने काटा, और बिल्कुल इसी चाप से हम यहाँ पर भी एक लंबा सा चाप काटते हैं। और इस चाप का जो फैलाव है उतना ही हम यहाँ पर लेंगे, तो इससे हमको इस कोण के बराबर एक कोण वहाँ पर मिलेगा। ये देखिए, ये हमने एक नोक को यहाँ रखा, दूसरे नोक को चाप के दूसरे सिरे पर रखा जो ए टू बी को काट रहा है। अब बिल्कुल इसी नाप का चाप हम यहाँ पर काटेंगे, तो हमको एक बिंदु यहाँ पर मिलता है। इस बिंदु को हम A3 से मिला दें, बहुत सावधानी से हम मिलाते हैं इसे। ये हमने मिलाया, ये जो रेखा है वो यहाँ पर इस AX को मान लीजिए बिंदु C पर काटती है। तो चूंकि जितना कोण यहाँ पर बना हुआ है उतने ही कोण यहाँ पर हमने बनाया, बराबर कोण की रचना की, तो इसलिए चूंकि ये संगति कोण बराबर हैं और इस कारण हम कह सकते हैं कि A2B A3C के समानांतर है। अब A3C A2B की यदि समानांतर है तो थेल्स प्रमेय के आधार पर आप कह सकते हैं कि इस पूरे त्रिभुज में AC A3, इस पूरे बड़े त्रिभुज में A2B एक ऐसी रेखा है जो भुजा AC और भुजा AA3 को दो बिंदुओं पर काटती है क्रमशः B और A2 पर, और बराबर अनुपात में बांटती है। यानी जो अनुपात AA2 और AA3 का होगा वही अनुपात AB और AC का होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बिंदु C एक ऐसी जगह पर है कि AC की लंबाई AB की लंबाई की डेढ़ गुनी है। चलिए इस बात को हम लिख लें, यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं इस चीज़ को। थेल्स प्रमेय के आधार पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज AC A3 में चूंकि A2B समानांतर है A3C के, इसलिए AA2 और AA3 का जो अनुपात होगा यानी AA2 बटे AA3 ये बराबर होगा AB बटे AC के। इसको अब यदि उल्टा कर ले तो आपको ये हो जाएगा कि AA3 बड़ी वाली भुजा को हम पहले ले लें, AA3 बटे AA2 बराबर, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा AC बटे AB। अब चूंकि AA3 बटे AA2, अब देखिए यहाँ पर हमने तीन बराबर हिस्से किए थे और AA3 में तीन हिस्से शामिल हैं और AA2 में दो हिस्से शामिल हैं, तो AA3 बटे AA2 ये जो पूरा का पूरा है वो 3/2 के बराबर है, इसलिए आप कह सकते हैं कि AC बटे AB बराबर भी 3/2 होगा। यानी C एक ऐसा बिंदु है जो इस लंबाई को इसकी लंबाई AB की लंबाई की डेढ़ गुने के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बिंदु C एक ऐसा बिंदु है जो इस पूरे AB के अनुपात में डेढ़ गुनी दूरी पर है, और आप कह सकते हैं कि इन दो भुजाओं का जो अनुपात है, इन दो रेखाखंडों का जो अनुपात है वो 3/2 के अनुपात में है। तो इस तरह से हमने एक ऐसे रेखाखंड की रचना कर ली AC की जो AB का डेढ़ गुना है। तो ये रचना हुई उदाहरण 4 के अंतर्गत।